फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GPHbook। आज हम बात करेंगे BSc मैथमेटिक्स मेजर डिग्री के बारे में और क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड क्रेडिट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एंड तक देखते रहे और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप इसे देख पाएं। अब बात करते हैं BSc मैथमेटिक्स की टाइम ड्यूरेशन के बारे में। BSc मैथमेटिक्स में मिनिमम ड्यूरेशन 3 ईयर्स एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 ईयर्स है। इसका कोर्स फी 10,500 है जो कि आपको 3 ईयर्स में पे करना होता है, यानी कि पर ईयर आपको 3,500 पे करना होगा 3 ईयर्स तक। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज 9 बार है, मीन्स कोई भी एज का पर्सन यह कोर्स कर सकता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। BSc मैथमेटिक्स एलिजिबिलिटी 10+2 साइंस विद मैथमेटिक्स है। इसमें आपको एटलीस्ट 50% लाना होता है और जो आपका मीडियम है हिंदी या इंग्लिश, आप दोनों चूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं BSc मैथमेटिक्स के प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें आपको 40 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं मैथमेटिक्स में, जो कि MTE 1 से MTE 14 तक हैं, और आपको MTE 1, 2, 4 से 9 तक होते हैं। यह बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आपको 28 क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं, जो कि आप वीडियो को पाउज कर देख सकते हैं इसके बारे में। अब जानते हैं BSc के प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में। इस प्रोग्राम में 96 क्रेडिट्स होते हैं, जैसे कि फाउंडेशन कोर्स में 24 क्रेडिट्स होते हैं, इलेक्टिव कोर्स में 56 to 64 क्रेडिट्स होते हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड में 8 और 16 क्रेडिट होते हैं। टोटल 96 क्रेडिट होते हैं जो कि आपको 3 to 6 ईयर्स में कंप्लीट करने होते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन से बुक से आपको बहुत हेल्प मिलेगी IGNOU B.Sc जियोलॉजी के लिए? तो हमारी आने वाली वीडियोस को देखना ना भूलें। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।